Lesson 4, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. Let me see about the author. Selma Lagerlöf, 1858 to 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. उनकी जो स्टोरी है बहुत ही सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और वो स्वीडिश राइटर है. यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. अब बिलीव उनका जो ऑल ऑफ बहुत सारी जो कि स्टोरीज है यूनिवर्सल थीम कौन सा है. बिलीव दैट दिस एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बींग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. जो कि गुडनेस है ह्यूमन बींग में वो क्या होती है, अवेकन होती है अंडरस्टैंडिंग है अंडरस्टैंडिंग एंड लव के थ्रू. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ऑर विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. जैसे ये फेरी टेल है वैसे ही स्टोरी उनकी जो मैनर है स्टोरी का जो टाइप वो है फेरी टेल. भी हम आगे देखेंगे लाइन थ्रू लेसन में स्टोरी में क्या है हमें पता चल जाएगा. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी आई टेल यू समथिंग अबाउट इट. द पैडलर वॉज अ वैगाबॉन्ड हु सॉल्ट रेट ट्रैप्स विद अ लिटिल देवरी ऑन द साइड टू मेक बोथ एंड्स मीट एंड हैड अ नो वर्डली पोजीशन टू कॉल हिज ओन नॉट इवन अ नेम. इट अम्यूज हिम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप. उसके बाद उनको वो क्या सोचने लगा जैसे कि पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप्ड है एंड ऑल द मटेरियल पोजीशन इज बैड एज द वर्ल्ड ही फेल्ट वाज नेवर काइंड टू हिम. मोर ओवर ही प्राइड हिमसेल्फ इन द फैक्ट दैट ही वाज आउट ऑफ इट. वो बाहर निकल गया तो पूरा वर्ल्ड जैसे कि रैट ट्रैप ही है ऐसा वो सोचने लगा था. और फिर उसने ये सोचा लास्टली जैसे कि प्राइड फील करने लगा कि वो तो बाहर निकल गया. तो अभी हम स्टोरी में पूरा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसने ऐसा क्यों कहा है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड टेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. ही मेड देम हिमसेल्फ at all moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो इसको कैसे बनाता था, वो material इस्तेमाल करता था कि जो कि वो begging करते हुए उसको मिलता था, beg करता था तो उससे जो उसको material मिलता था farms में find out करके जो material मिलता था उससे वो ये बनाता था. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. उसने क्या कहा कि ये इतना करने के बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं होता था, profit नहीं होता था, तो उसने क्या कहा resort to both करना combine कर दिया, जैसे begging, petty thievery and then anothering. Keep body soul together. ये एक phrase है, इसका meaning कुछ अलग है. It means to manage to keep alive, to survive. Survive करना उसने manage कर लिया इनके बीच में. इसका मतलब ऐसा होता है. Even so his clothes were in rags, his cheeks were shaken. उसने manage करना सीख लिया उसके बीच में सब उनके जो clothes है वो फट चुके हैं. Cheeks were shaken and hunger gleamed in his eyes. की आंख में जैसे कि हम फीलिंग सो हंग्री एक्सप्रेशन कोई भी देख सकता है कि उसकी आंख में कि वो बहुत ही हंग्री है जैसे फीलिंग हंग्री. नो इवन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सर्च अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड. रोड के साइड में घूमना और कोई जैसे देख नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं करना सकता कि ऐसे वैगाबॉन्ड की लाइफ कैसी होती है और बहुत ही मोनोटोनस बोरिंग होती है. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट व्हिच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स देन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम. वो उसको सडनली एक एंटरटेनमेंट के लिए उसने सोचा और उसको सडनली एक आइडिया आ गया रैट ट्रैप के बारे में
और उसने क्या सोचा उसके बाद, उसको वो भी एक आइडिया आ गया, स्ट्रक किया उसके माइंड में, जैसे कि पूरा वर्ल्ड है जो कि रैट ट्रैप ही है, जैसे कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. इट हैड नेवर एग्जिटेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैक फॉर पीपल, दूसरे के लिए जैसे कि सेट बैट्स यानी किसी और को ट्रैप करना, फंसाना, उसमें ही लगा रहता है, कोई और पर्पस नहीं है उसका. ये वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है. इट ऑफर रिचीज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉर्क एंड एज सून एज एनीवन लेट हिम सेल्फ बी टेम्पर्ड टू टच द बैट, इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड. पहले तो वो जैसे कि ऑफर करता है जॉय, शेल्टर, फूड एंड हीट, एग्जैक्टली जैसे कि रैट ट्रैप ऑफर कर रहा हो चीज पॉर्क, देन एज सून एज वो देगा और उस एज सून एज वो ले भी लेगा, जैसे कि ये टैंप है तुम्हारे लिए, पूरा ट्रैप किया गया है, उसके बाद वो सब कुछ बंद हो जाएगा, जैसे क्लोज ऑन हिम एंड एवरीवन कम्स टू एंड, सब कुछ का अंत आ जाएगा, जैसे पहले तो अच्छा लगेगा उसके बाद दैट एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, सबका अंत ही होना है. सो उसको ये बिगिनिंग में ही उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा वर्ल्ड रेड ट्रैप्ड है और वो उसकी लाइफ उसको मोनोटोनस लग रही है. तो हम आगे देखते हैं क्या होता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय to think ill of it in this way. Unwanted joy yani ki unusual happiness. So wo think karta hai unusual happiness, think ill of it in this way. It become a cherished pastime of his during many dreary ploddings. Idhar udhar ghoomna hai jaise ki. To think of people he knew who had left themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bat, यानि कि सब एक दूसरे को ही खींचने में लगे रहते हैं, सब एक दूसरे को बैट लगाते रहते हैं दूसरे के बारे में, वो सब यही करते हैं themselves, यानि कि वो अपने आप को डेंजर में डाल देते हैं और ऐसा सब कुछ, जैसे कि सर्कल में घूमता ही रहता है सब कुछ. One dark evening as he was strolling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. वो इधर उधर घूम रहा था रोड साइड पे, तब उसकी आईज किस पे पड़ी है, लिटिल ग्रे कॉटेज पे. डार्क इवनिंग थी. He knocked on the door to ask shelter for the night. उसने एक दिन के लिए उससे वो नाइट के लिए शेल्टर मांगा. Nor was he refused. कुछ नहीं मिला. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. जैसे कि उसको अच्छा लगा कि कोई एक sour face का old owner था जिसकी कोई wife नहीं, child नहीं है, and वो happy था कि उसको उसके loneliness में उसको कोई बात करने को मिला. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him some. तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो वो रिफ्यूज होता है, उसके बाद कोई उसको दिखाई देता है वहां पे और वो इंसान ने उनको इनसाइड बुलाया है, जो कि उसके लॉनलीनेस में उनको बातें करने के लिए कोई इंसान मिला है, तो उसने ऑफर किया है पॉरिज, पॉट दिया है पॉरिज का, तो थोड़ा फायर में उन्होंने हॉट करके दिया है. एंड देन गेव हिम सपर, डिनर भी दिया. देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll. वो भी tobacco roll में से बड़ा सा piece cut करके दिया. Then it was enough both for the stranger's pipe and his own. जैसे कि pipe में लगा के वो लोग tobacco absorb करते हैं, यानी कि ये सब smoking or all that things and his own. Finally he got out an old pack of cards and played majorly with his guests until bedtime. सोने तक उन्होंने ये प्ले किया. They played this majorly game, जो कि बहुत ही इंडोर फेमस गेम है, स्वीडन की कार्ड गेम है. तो उन्होंने ये प्ले करना, यहाँ पे दिया ये है पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड majorly.
तो ये गेम है इंडोर प्ले करते हैं, जैसे कि सभी कार्ड गेम को वही मेजोलिस गेम बोलेंगे। सोने तक उन्होंने ये प्ले करना पसंद किया। वो ओल्ड पर्सन है जो कि ऑनर है हाउस का, ओल्ड मैन, उन्हें उसने गेस्ट जो कि यहाँ पे वो बॉय है जो कि गेस्ट है, तो उसके साथ वो ये गेम प्ले करेगा सोने तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड टॉक। वो बहुत ही जनरस था एज वेल एज वो बहुत ही कॉन्फिडेंस भी था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉपलर एट रैमस आयरन वर्क्स एंड हैड वर्क्ड ऑन द लैंड। तो वो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, उनके होस्ट यानी उनको उसने क्या बताया, क्या इन्फॉर्म्ड किया गेस्ट को कि उनका जो ये ऑनर है वो पहले ये प्लेस है रामस्सो जो यानी आयरन वर्क वहां पे होता था और वो वहां पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू द लेबर, वो अभी लेबर वर्क नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। यस दैट बॉसी was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. And last month he had received all of 30 kroner in payment. उससे उनको क्या मिला था, लास्ट मंथ उन्होंने 30 kroner रिसीव किया था। तो उसकी जो मिल्क है अभी पर, उसकी जो काव है उनको सपोर्ट कर रही है। अभी उनका जो वर्क है वो तो बंद हो चुका है, लेकिन बहुत ही बॉजी है और बहुत ही और यानी कि लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही हेल्पफुल है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लीदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स। उनको बिल भी दे दिया 3 रिंकल 10 क्रोनर का। और बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये इंसान था। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टक देम बैक इनटू द पाउच। फिर से वो लेदर पाउच में चला गया नॉडिंग नोइंगली का मीनिंग बहुत ही इनडिफरेंट, इट मीन बहुत ही इनडिफरेंट वे में ये दे देना। उसकी आईज उसका जो गेस्ट है वो देखता ही रह गया। उसने ये स्टक किया और ये सब कुछ अपनी चीज लेके वापस वो अपने पाउच में जो कि लेदर का पाउच है जो वहां पे वो रखता था सभी हैंग ऑन नेल विंडो के पास में जो कि फ्रेम है वहां पे वो सभी वहां पे वापस जाके वो बैठ गया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन। द क्रॉप्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। वो तो बहुत ही स्पीड में अपनी नेक्स्ट डे हुआ, बहुत ही अच्छे से वो दोनों उठ गए और जो क्रॉप्टमैन क्रॉप्टर है वो रेडी हो गया मिल्क निकालने के लिए। द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन अ बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उसने क्या कहा, प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन अ बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तुम्हारा जो हाउस का हेड है वो उठ गया हो तो तुम तब वो उठ गया हो तो तुम यहाँ पे सो नहीं सकते, जबकि तुम्हारा हेड है वो उठ गया हो तो तुम यहाँ पे गेस्ट हो, तुम ज्यादा सो नहीं सकते। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे तुम्हें दोनों ने कॉटेज छोड़ा। द क्रॉप्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। उन्होंने लॉक कर दिया हाउस, कॉटेज की ले ली अपने पॉकेट में। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, देयर अपॉन ईच मैन हिज ओन वे। दोनों अपने अपने रास्ते पे चले। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर बेचता था वो स्टूड अगेन बिफोर द डोर। फिर से वो वहां पे आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो स्मैश अ पैन स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोना, जो कि पैसे का जो पाउच था वो उसने निकाल लिया। He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hanged the leather pouch very carefully back it in its place and ran down. उसने फिर से वैसे ही लटका दिया उसका लेदर का पाउच और फिर वो निकल गया पैसे लेके। तो उन्होंने उसने जहाँ पे रखा था
जिसने हेल्प की थी उसको ही उसने उसके ही पैसे उसने चोरी कर लिए, तो उसके जो 30 कॉर्नर पाउच में थे वो भी उसने चुरा लिए है यहाँ पे, और फिर वो चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. वो अपने आप की स्मार्टनेस को सोचते बहुत अच्छा लगा उसे, felt pleased, खुश होने लगा उसकी स्मार्टनेस को देखते। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. तो उसने क्या सोचा कि अभी वो पब्लिक हाईवे में जाने का डेयरिंग नहीं कर सकता, उसको वहां से टर्न ऑफ करना पड़ेगा और जंगल के रास्ते यानी कि वुड्स के रास्ते पे जाना पड़ेगा। पहला ओवर तो बहुत रहा उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं था। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, बुरा होने वाला था। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन। तो उसने क्या सोचा कि पहला ओवर तो वो वुड्स की तरफ जाने का दूसरा रास्ता अपनाया जो कि जंगल का है, तो पहला ओवर में तो वो चलता हुआ निकल गया, लेकिन बाद में तो वो अपने आप कोई कंफ्यूज हो गया क्योंकि फॉरेस्ट का जो रूट था बहुत ही कंफ्यूजिंग था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्ट्स बैक एंड फोर्स सो स्ट्रेंज। बहुत ही सोच के वो डायरेक्शन पसंद करता था, फिर भी वो ट्विस्टेड बैक वापस वही रास्ते पे आ जाता था और सो स्ट्रेंज था रास्ता। ही वॉक एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, चलता ही गया उसका कोई एंड ही नहीं था। Finally, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. Finally, उसको realize होगा कि वो एक ही पाथ पे चल रहा है। All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. उसके बाद वो यही फिर से सोचने लगा rat trap. Now his own turn had come. उसका खुद का, उसको पहले लगता था कि वो बच गया है, लेकिन उसने अभी क्या सोचा कि अभी उसका टर्न आया है, वो खुद फंस गया है। He had let himself be fooled by a bat. अपने आप को ही वो fooled समझने लगा, जैसे कि अपने आप को fooled है, यही let himself समझ होने दो fooled है। Had been caught, वो पकड़ा गया है, जैसे कि the whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison. उसको क्या लगने लगा कि पूरा फॉरेस्ट है जो कि ड्रंक है, ब्रांचेस है, फॉलन लॉक्स गिरे हुए है, तो उसको ऐसा लगने लगा जैसे कि इम्प्रेनेटेबल प्रिजन यानी कि इम्पॉसिबल कॉन्फाइनमेंट फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, यहाँ से वो भाग नहीं सकता, ऐसे प्रिजन है जो कि घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाता है, तो वो यहाँ से जैसे निकल ही नहीं सकता। It was late in December. एक कब का टाइम है? Last December. Darkness was already descending over the forest. Darkness बहुत जल्दी हो जाती है. This increased the danger and increased also his gloom and despair. तो अभी क्या होता है? जैसे ही darkness fallen होती है, वैसे ही उसका danger भी increase होता है, उसका gloom and despair भी अकेला होता है वहाँ पे. Finally he saw no way out. उसने finally सोच लिया कि कोई रास्ता है ही नहीं बाहर जाने का. He sank down on the ground, thak fir ke baith gaya, tired to death, thinking that his last moment had come. Sochne laga ki uski last moment aa chuki hai. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, heard regular thumping. अभी उसने अपना head है जो कि ground में रखा, तो उसको आवाज सुनाई दी thumping की regular. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. उसको क्या लगा कि ये कोई आयरन मिल है पास में जो कि हैमर का स्ट्रोक हो रहा है, थोड़ा कोई लगा रहा है उसका, जैसे कि हावर हो, जैसे कि उसकी वॉइस हो रही है थम्पिंग की। इसने ये सोचा कि पास में कोई आयरन मिल होगी, देन मस्ट बी पीपल नियर बाई, तो उसको ये भी लगा कि इंसान भी होंगे पास में। He summoned all his strength. उसने अपनी सारी strength gather की
got up, खड़ा हो गया and staggered into the direction of the sound. Stagger यानी कि slowly, slow walk slowly. डसडाता हुआ जैसे कि बहुत ही थक चुका है फिर भी वो अपने legs को चला रहा है. तो वो ऐसे ही स्टैगर करते हुए वो साउंड के डायरेक्शन में चलने चलने लगता है यानी कि शुरू करता है. तो रैम्स जो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि यहाँ पे ये प्लेस है जहाँ पे आयरन वर्क होता है वो बहुत ही पास में है. वेर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉर्ज इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोच barges and scows slide down the canal which led to a large inland lake. In and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal cracks. यहाँ पे summer के time क्या होता है बहुत सारा heavy हो जाता है सभी चीजों से भरा हुआ पूरी canal का जो route है वह सभी. और जो विंटर टाइम होता है तो रोड के पास में सभी मिल का जो ब्लैक फॉर्म उससे निकलता है कॉल डस्ट वो वहां पे सिफ्टेड डाउन यानी कि वहां पे सब देखने को मिलता है. एंड बी जैसे कि कर्ड हो जाता है हम कह सकते हैं बिग चारकोल क्रैक्स देखने को मिलता है पीसीज एंड ऑल दैट पूरा. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट in the dark porch near the furnace waiting for the pig iron. तो यहाँ पे iron का wait करते हुए वो लोग वहाँ पे बैठे हैं dark में जो smith है and जो की helper है iron smith जो की which had been put in the fire to be ready to put on a anvil. निकालने के लिए जो की iron में डालते हैं ready करके उसके बाद उसका जो स्टेप और वो सब बनता है. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीप द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इनटू अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन दो एज वाज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज. वो ये सभी मास पूरा वहां पे क्या होता है ग्रुप है पूरा जो कि वहां पे काम करता है आयरन बार में. तो थोड़े ही मिनट पहले वो अपने प्रेस्पिरेशन पे काम करते हैं. उसका जो वहाँ पे कस्टम एक ही है कि उनको एक लॉन्ग शर्ट एंड वुडन शूज पहनने होते हैं यहाँ पे जो कि आयरन के पास में फायर के पास में जो भी वर्क करते रहते हैं. और दूसरा कोई प्रेस्पिरेशन उनका है नहीं सिर्फ यही एक कस्टम है उसका और ज्यादा कोई कस्टम है नहीं वहाँ पे काम वर्क करने का. ऑल द टाइम देर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द पॉट Big the big bellows ground and the burning coal crept. The fire boys poured charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. बहुत ही ज्यादा आवाज के साथ वो फर्नेस वो वहां पे क्या होता है चारकोल को फर्नेस के इनसाइड डाल देता है. आउटर रोर द वॉटरफॉल का आवाज आता है एंड शार्प नॉट वाइंड विप का आवाज आता है द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ. बहुत ही रूप के बाद जो कि वाइन का आवाज निकलती है. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंटर द फोर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस. श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज by the glow of light which escaped through the sooty pan and to come into a warm themselves in front of the fire. उसको उससे वैगाबॉन्ड है जो कि पुअर तो इससे अच्छा बेटर कोई शेल्टर हो ही नहीं सकता. फॉर्ज वो प्लेस बहुत ही अट्रैक्टिव है वो वहां से छूट भी नहीं सकता जैसे कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव है ये प्लेस वार्म भी उसको दे सकता है क्योंकि वहां पे फायर होती है. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. क्योंकि stranger वहाँ पे आया है, उसने उसको देखा. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rag, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो वो common है कि वो unusually
वो यही करता है जैसे कि सब लोग करते हैं, ऐसे इंसान को देखते हुए, जैसे कि बियर्ड लॉन्ग है, डर्टी है, फटे हुए कपड़े हैं, पर बंच ऑफ रेड ट्रैप का बंच लटकाती हुई आ रहा है। ही आस्क परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हॉटी कॉन्स्टेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो परमिशन मांगता है तो ये ब्लैकस्मिथ क्या बोलता है, इन डिफरेंट एग्रीमेंट, जैसे कि हॉटी कॉन्स्टेंट विदाउट ऑनर, कुछ भी सिंगल वर्ड भी उसको नहीं देता है। हॉटी कॉन्स्टेंट यानी कि इन डिफरेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं देता है वो। द ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो क्या कहना है ट्रैम्प, यानी कि वो क्या कहता है स्ट्रेंजर कि यहाँ पे वो कुछ लेने के लिए नहीं आया है, जैसे कि वो यहाँ पे आया है that to talk but only बात करने के लिए, और फिर उसको वार्म चाहिए अपने लिए एंड सोना चाहता है, यानी कि he want to sleep there, यही वो कहता है। In those days the Ramasuju iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to skip out good iron to the market। तो यहाँ पे जो प्लस है वहां पे उसका जो आयरन मास्टर है उसका एक ही इम्पोर्टेंट एम्बिशन है कि बाहर निकलना, जितना भी अच्छा आयरन है निकलता है वो बाहर मार्केट में बेचना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. At this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. तो अभी वो क्या करता है, वो अपना डे एंड नाइट यही काम देखने में ही बिताता है, पॉसिबल वर्क होना चाहिए, और तभी मोमेंट में वो क्या करता है फोर्ज में पूरा पूरे जो एरिया है वहां पे वो अपना नाइटली जैसे कि रेगुलरली अपना राउंड है इंस्पेक्शन का राउंड लगाने के निकलता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वाज द टॉल रेगामुफिन हु हैड इज हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक, वो की जो कि वहां पे है जो इजीली बैठा है फर्नेस के पास स्टीम रोज वहां पे ले रहा है स्टीम। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैकस्मिथ हु हैड हार्डली टर्न्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। उसने आयरन मास्टर ने क्या कहा, उसने किसी को ब्लैकस्मिथ को नहीं दिया ये कि तुम देखो ये स्ट्रेंजर क्या कर रहा है। कीप अ क्लोज अप टू हिम, लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टॉर ऑफ his slouch head to get a better view of his face. उसकी जो head है वो निकाली उसका face देखने लगे। But of course it is you, Nils all, he said. How you do look? ऐसे कैसे दिख रहे हो? The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramasso and did not even know what his name was. उसने पहले देखा नहीं था ये कौन है, इसका नेम क्या है वहां पे। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वाटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। वो क्या करना चाहता है, वो माइट परहैप्स थ्रो हिम बाहर निकाल देता कुछ कपल ऑफ क्रोनर देके, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. तुम्हें ये resign नहीं करना चाहिए था regiment में, Iron Master ने ये बोला। That was the mistake. If only I had still been in a service at the time. वो mistake थी मेरी, जब वो मैं work, जैसे कि वो पहले work करता था, service करता था। It never would have happened. Well, now of course you will come होम विथ मी। उसने क्या कहा यहाँ पे कि तुम मेरे साथ अपने घर पे आ सकते हो, ऑफकोर्स टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, जैसे कि पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड्स को जो मिलता है वो तुम्हें भी मिलेगा, उसने ये बोला। हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम, अच्छा तुमने नहीं किया फिर भी तुम्हें, जैसे कि यू डिड नॉट प्लीज यानी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा फिर भी वो देना चाहता है उससे, जैसे कि
मिलना चाहिए एक रेजिमेंटल को, वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा। वो यही कहना चाहता है, यानी कि ये दोनों पहचान के है, तो उसने पहले देखा नहीं था ये क्या है, मिल्स ऑलोफ उसका पहचान का है। वो दोनों साथ में काम करते थे और वो एक्वायरेंस यानी कि पहचान का निकला है। तो ये पहले तो ये इंसान जो कि स्ट्रेंजर है, रेड ट्रैपर है, उसके बाद उसने ये इसको मिलता है यहाँ पे ऑनर को, आयरन आयरन मैन को और आयरन मास्टर जो कि वहां का ऑनर है, तो उसको मिलता है। उसके बाद ये सब कन्वर्सेशन उनके बीच में होती है और जो पुरानी बातें भी यहाँ पास्ट टाइम की बातें भी वो लोग करते हैं, जो कि मिस्टेक की है उसने रिजाइन देके वो, और वो उसको अपने उसको होम भी ऑफर करता है, उस भी ऑफर करता है, उसके साथ चलने को कहता है। तो क्या कहता है, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर टू गो अप टू द माइनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। उसने अपने तो जो 30 क्रोनर है वो छुपाए हैं और फिर वो क्या सोचता है, हाउस यहाँ पे मैनर हाउस पे जाना, यानी कि अपने आप को ही लायंस के गुफा में डाल देना। He only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as conspicuously as possible। जितना हो जल्दी वो वहां से निकलना चाहता है, रात में सिर्फ उसको सोना है, उसको कुछ नहीं चाहिए। The iron master amused that he felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर ने ये सोचा कि उसको शर्म आती होगी, था जिसके जो भी फटे हुए कपड़े पहने, इसके लिए उसको शर्म आती होगी, लेकिन उसको ये सब नहीं लग रहा है। वो तो वहां से भागने का चांस फाइंड आउट करना है और उसको वहां पे सुबह होते ही चले जाना है, क्योंकि उसके पास तो चुराए हुए पैसे। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर। तो वो उसने क्या कहा आयरन मास्टर ने, कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा घर है और तुम यानी यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, तुम अपने आप को वहां देख भी नहीं सकते। इसे एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुम्हें सोचा ही सुना ही होगा कि एलिजाबेथ डेड हो चुकी है उसकी। माय बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे वो जो कि अब्रॉड में है, एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माय सन, मेरी बड़ी लड़की उसके अलावा मैं दोनों ही है, उसके अलावा कोई भी वहां पे नहीं है घर पे। वी वर जस्ट सेइंग दैट It was too bad we didn't have any company for Christmas. Christmas के लिए हमारे पास कोई company भी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तुम में हमारे साथ चलो, हमें company देने के लिए Christmas food बनाएंगे और वो सब। उसने ये कहा उससे। But the stranger said no and again no. The iron master saw that he must give in. He looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with you tonight. Stranger Strom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away. And the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. जी वहाँ का कैप्टन भी है, उसने भी कहा कि उसने क्या कहा, prefer to stay with you tonight. तुम्हें रुकना चाहिए उसके पास, ऐसा बोला ब्लैकमिथ के साथ है ऐसा। It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels outside the porch. Half an hour में उन्होंने क्या सुना, यहाँ पे वो कैरेज व्हील्स वहां पे बाहर आके आई है, जैसे कि उसने साउंड सुना उन्होंने। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, न्यू गेस्ट केम, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that he would have better powers of persuasion than he himself. तो उसने अपनी डॉटर को भेजा है, हाफ एन आवर के बाद यहाँ पे कोई कैरी जाती है तो कोई गेस्ट नहीं है, लेकिन उसने अपनी आयरन मैन खुद नहीं आया है, लेकिन अपनी डॉटर को भेजा है जैसे कि वो बेटर पावर, उसके पास बेटर पावर है कि इंसान का डिसीजन चेंज कर सके, परस्यूजन देन ही हिमसेल्फ। वो तो उसको रोक नहीं सका, लेकिन उसकी डॉटर शायद उसको रोक सके, यही यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। तो वो उसको रुकने को कहते हैं कि तुम रुक जाओ हमारे पास, जैसे कि क्रिसमस तक साथ में सबको सेलिब्रेट करेंगे, जैसे कि दे वांट टू स्टे हिम, यानी कि द आयरन मास्टर वांट टू स्टे हिम हिमसेल्फ। वो उसको अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन The stranger did not want to stay with them.